हेलो गाइस, आज मेरी एनिवर्सरी है और आज के दिन ही हम मलेशिया से वापस आए हैं इंडिया। तो हमने सोचा कि एनिवर्सरी पे हम महाबलेश्वर चलते हैं सेलिब्रेट करने को। तो अभी हम अपने रिसॉर्ट्स जा रहे हैं और बीच में काफ़ी जंगल वाला रास्ता है, दोनों तरफ ही जंगल है। लेकिन जो हमारा रिसॉर्ट्स है वो काफ़ी खूबसूरत है। ये देखिए, हमारे रिसॉर्ट्स का व्यू बहुत ही सुंदर है। और ये जो सामने में आप प्लांट्स देख रहे हैं, वो प्लांट एक्चुअली स्ट्रॉबेरी का प्लांट है। और मुझे वो दिख गया जब मैं वॉक कर रही थी, वहाँ पे घूम रही थी, तो मुझे स्ट्रॉबेरी का प्लांट दिखा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये देखो स्ट्रॉबेरी है। महाबलेश्वर जो है वो स्ट्रॉबेरी के लिए काफ़ी फेमस है। तो ये जो प्लांट्स हैं आपको दिखाती हूँ, छोटा सा स्ट्रॉबेरी मुझे एक दिखा, वहाँ पर और भी ज़्यादा थे। तो अभी मंदिर जाने के लिए बस निकल रहे हैं। और ये देखिए, मंदिर हम पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपने देखा, अभी मैं मंदिर में हूँ। आज हमारी एनिवर्सरी है, तो हमने सोचा कि भगवान का अगर दर्शन हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो इसलिए आज हम भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए यहाँ पे चले आए हैं महाबलेश्वर में। और आज पूरा दिन हम महाबलेश्वर में ही रहने वाले हैं, कल हम फिर औरंगाबाद चले जाएंगे अपनी सिटी में। मोई, पूजा हो गई? हाँ, हो गई। दर्शन कर लिया भगवान जी के? हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा लगा? तो इधर तो फेस करो, धूप लग रही है क्या? हाँ। अच्छा, और अब कहाँ जाएंगे मोई? होटल। हाँ। अच्छा सुनो, कौन से भगवान का दर्शन किया? कौन से भगवान थे अंदर? महाबलेश्वर शंकर भगवान थे ना? हाँ। ये देखिए, कहा मैं जंगल में आ गई हूँ, क्योंकि जब हम वापस लौट रहे थे तो ड्राइवर ने बोला कि यहाँ एक कृष्णाबाई टेम्पल है जो कि इसी रास्ते से जाकर है, बहुत सुंदर है और काफ़ी नाम सुना है। तो इसलिए फिर हम इस रास्ते से वो मंदिर की तरफ जा रहे हैं, जो कि काफ़ी डेंजरस लग रहा है मेरे को। आसपास बस जंगल ही जंगल है और कोई है भी नहीं यहाँ पे। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मेरा बेटा, बस हम चार ही लोग हैं यहाँ पे इस रास्ते में। चलिए देखते हैं कि वो मंदिर कैसा है। ये देखिए, रास्ते में भुट्टा भी मिल रहा है सेक के, काफ़ी दूर आने के बाद ये भुट्टे वाला मिला हम लोगों को, और शायद आते आते हम भुट्टा भी खा के जाए यहाँ से। अशोक, भुट्टा खाना है? आके उसको बोल दो सेक के रखेगा। सेक के चाहिए क्या? बॉइल्ड चाहिए? बॉइल्ड नहीं चाहिए, सेक के चाहिए। फटाफट करो ना, आने तक आप सेक के रखो। कितना दूर है यहाँ से मंदिर? मंदिर ही है, पास में ही है क्या? चलो ठीक है, हम आ रहे हैं, तब तक तुम सेक के रखो, ठीक है? मंदिर में हमने दर्शन कर लिया और ये काफी प्राचीन काल का मंदिर है। ये मंदिर के सामने का व्यू है जो बहुत ही सुंदर है। यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत घूमकर हम अपने वापस से रिसॉर्ट्स में पहुँच गए। और ये देखिए, मेरी बेटी को झूला दिख गया और वो सीधा झूले की तरफ भागी है और झूल रही है बड़े ही मज़े से। और ये रिसॉर्ट्स एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है तो जंगलों के बीच में, बट काफ़ी अच्छा है। मैं भी यहाँ वहाँ घूम घूम के देख रही थी कहाँ पे क्या है, तो मैंने यहाँ पे फ़ोटो सेशन वगैरह भी करा लिया। और ये देखिए, बहुत बड़ा है। मेरी बेटी को भी स्ट्रॉबेरी दिख गया और वो भी काफ़ी एक्साइटेड हो गई उसको देखकर। और थोड़ा सा हम थक गए, उसके बाद हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया और वापस से सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो गए, एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के लिए। और ये देखिए, हाय, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी माय चैनल अशोक।
मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि जो एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन है वो इतना धमाकेदार होने वाला है। इसलिए मेरे हस्बैंड जो है वो आँख पे पट्टी बांध रहे हैं, क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल पूरी तरह से सरप्राइज़ ही था और वो चाहते थे कि मैं इसे देखूं नहीं बिल्कुल भी। ऐसे करना। क्या है? अरे वाह यार, थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और मैं जब नीचे आ रही थी तो अशोक ने मुझे बोला बस ऐसे ही 2-3 बलून होंगे लटकाए हुए और हम केक काट के खाना खा लेंगे। मैं जब आई तो ऐसे बस आँख मेरी ऐसी खुली की खुली रह गई ये डेकोरेशन देख के, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा किसी भी वाइफ को चाहिए होता अपने हस्बैंड से कि आप अपनी वाइफ को कैसे स्पेशल फील कराते हो, बस ये काफ़ी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।